अक्सर अक्सर चूम लिया, अक्सर अक्सर चूम लिया जिस कागज पर तेरा नाम लिखा। हर मंजर अनमोल हुआ जिस जगह भी तेरा नाम दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस गोनिया और आप मुझे देख रहे हैं पहाड़ी रिसोर्सेज पर। लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने घरों में हैं, अपने गांव में हैं। मैं भी अपने घर में अपने गांव में हूं। आजकल प्रकृति के साथ मिलके श्रृंगार में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं और पढ़ाई कर रहा हूं, नई नई किताबें पढ़ रहा हूं कि कैसे और नया किया जाए और क्रिएटिविटी लाई जाए। तो अगर आप लोग भी अपने घरों में हैं, बोर हो रहे हैं, तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप पेंटिंग बना सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ हो तो आप नई नई डिशेज बना सकते हैं। और आज से लगभग एक महीने पहले एक मंजर जो आम था सड़कों पे और जो एक बहुत दुखी मन कर देने वाला था और सबके मन में एक दर्द देने वाला था, उसी दर्द को मैंने अपनी लेखनी से लिखने की कोशिश करी है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुबारक शहर तुम्हारा साहेब, मुबारक शहर तुम्हारा साहेब, हमें गांव हमारे जाने दीजिए, हमें गांव हमारे जाने दीजिए। कुछ भूख और गरीबी ही सही, कुछ भूख और गरीबी ही सही, साहेब साथ में सब जाने दीजिए, साहेब साथ में सब जाने दीजिए। हाँ, अगर आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो अपने बड़ों के साथ बैठ के कुछ कहानियाँ सुन सकते हैं और आपस में लूडो तो आजकल एक आम बात हो गई है, कई सारे लोग मिलके आपस में लूडो भी खेल रहे हैं ताकि बोरियत से या आप डिप्रेशन से बच सकें। और दूसरा, हम लोग कई दिनों से घरों में हैं तो बाहर जाने का भी मन कर रहा है, तो उस पर कुछ चंद लाइनें आपको सुना रहा हूँ, देखिएगा। मुफलिसी में कई रातें गुजर गई, मुफलिसी में कई रातें गुजर गई, कई दिन गुजर गए तुम बिन, कई दिन गुजर गए तुम बिन, अब तो उजाला होना चाहिए, अब तो उजाला होना चाहिए। आज कुछ चंद लाइनें और चंद मुक्तक ही आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, कभी अगली बार पूरी कविता के साथ आपके सामने आऊँगा, आने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ताकि हम सब जल्दी इस महामारी से उबर सकें। धन्यवाद।